जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहे विवाद के बारे में, खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच में चल रहे विवाद के बारे में। कल मैंने इसके ऊपर विस्तार से एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं कल से देख रहा हूं कि लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर जितने भी कलाकार हैं सब के सब पवन सिंह के पक्ष में वीडियो बना रहे हैं और खेसारी लाल यादव को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि खेसारी लाल यादव की एक वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो के दौरान खेसारी लाल यादव कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी वीडियो के आधार पर जितने भी कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर सब के सब पवन सिंह का साथ दे रहे हैं और खेसारी लाल यादव को ही दोषी बनाने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर क्यों खेसारी लाल यादव को सारे के सारे टारगेट करने का काम कर रहे हैं। पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग वो वीडियो देखिए जिसको लेकर ये पूरा विवाद मचा हुआ है खेसारी लाल यादव को। लेकिन तू चाहता है जहाँ म्यूजिक में सिनेमा में जाके अगर डांस सीखी तो संभव नहीं था। प्रमोद प्रेमी सीखते बड़े, विजय सीखते बड़े, कलू सीखते बड़े, सब जना सीखते बड़ो। समर सिंह हिरवे हुए झाट 5 लाख के औकात नहीं के, 35 लाख से ऊपर समर सिनेमा के अंदर नाम जल अब वो टीवी को रिमोट पर आ गए लोग। हीरो करा के गए जो हॉल तक जाना निकला का 50 रुपये के टिकट कटा के 2.5 घंटा के लिए नहीं लगे खाना हो गया। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, इस वीडियो के अंदर खेसारी लाल यादव समर सिंह के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वीडियो के आधार पर जितने भी कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सब खेसारी लाल यादव को ही दोषी ठहरा रहे हैं और उसी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात गौर करने वाली है दोस्तों कि ये वीडियो जो है ये किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म की वीडियो नहीं है, सार्वजनिक मंच के ऊपर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि ये वीडियो एक बंद कमरे के अंदर रिकॉर्ड की गई है। दरअसल खेसारी लाल यादव अपने लोगों के साथ बंद कमरे के अंदर बातचीत कर रहे थे और उस बातचीत को किसी ने साजिश के तहत रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया और इसी वायरल वीडियो के बाद समर सिंह खेसारी लाल यादव को मारने के लिए, उनके ऊपर हमला करने के लिए 150 लोगों के साथ बनारस के अंदर उनके जहां पर शूटिंग हो रही थी वहां पर पहुंच गए। मैं मानता हूं जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल खेसारी लाल यादव ने इस वीडियो के अंदर किया है ये बेहद ही आपत्तिजनक है और बिल्कुल भी उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो वीडियो है एक बंद कमरे के अंदर किसी ने रिकॉर्ड की है और साजिश के तहत उसको सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया है। चाहे आप हो चाहे मैं हूं, जब भी हम लोग बंद कमरे के अंदर आपस में दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं तो हल्के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से किया होता तो मैं मानता हूं कि इनकी एक बहुत बड़ी गलती होती, लेकिन बंद कमरे के अंदर अपने दोस्तों के साथ इंसान इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर देता है। तो अब खेसारी लाल यादव कोई भगवान तो है नहीं, कोई संत महात्मा तो है नहीं कि वो अपने मुंह से गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बंद कमरे के अंदर हम लोग भी गाली गलौज शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यदि उन्होंने भी ऐसा किया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर समर सिंह को बुरा लगा तो लोग ले जाने के बदले वो उनसे बात कर सकते थे, फोन के ऊपर बात कर सकते थे। जाहिर सी बात है दोनों के पास एक दूसरे का नंबर तो होगा ही, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो सीधा खेसारी लाल यादव के ऊपर हमला करने के लिए 150 लोगों को लेकर पहुंच गए, जो कि बेहद ही गलत है। और इसी वीडियो के आधार पर सब के सब खेसारी लाल यादव को दोषी ठहरा रहे हैं। सब के सब ये कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव समर सिंह के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, इतना बड़ा स्टार होकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पवन सिंह ने स्टेज शो के दौरान जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था वो भी बेहद ही आपत्तिजनक था, लेकिन उसको लेकर किसी ने भी पवन सिंह के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, पवन सिंह की किसी ने आलोचना तक नहीं की है। क्या कुछ कहा था पवन सिंह ने जरा वो भी आप लोग देख लीजिए। माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस यही मेरा मालिक है, एकरा बाद हम केहू के हय समझी। तो दोस्तों इस वीडियो में भी आप लोगों ने साफ साफ देखा कि पवन सिंह सार्वजनिक मंच से पब्लिक प्लेटफॉर्म से हजारों की भीड़ के सामने क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फलाने को छोड़कर सबको मैं ये समझता हूं। इस तरह का अश्लील इशारा पवन सिंह ने एक सार्वजनिक मंच से किया, जितने भी लोग हैं सबके लिए उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, इस तरह के इशारे का इस्तेमाल किया। एक सुपर स्टार है पवन सिंह, अपने आप को बहुत बड़ा स्टार बोलते हैं, पावर स्टार बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक सार्वजनिक मंच से इस तरह का इशारा, अश्लील इशारा उन्होंने किया
लेकिन किसी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार ने पवन सिंह की आलोचना नहीं की, पवन सिंह को गलत नहीं बोला, पवन सिंह को दोषी नहीं ठहराया और सबके सब खेसारी लाल यादव के पीछे ही पड़ गए हैं। तो फिर यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं आखिर सबके सब खेसारी लाल यादव के पीछे आखिर क्यों पड़े हैं। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, जितने भी लोग पवन सिंह के समर्थन में वीडियो बना रहे हैं या जो लोग खेसारी लाल यादव को दोषी ठहरा रहे हैं, वो सबके सब एक खास जाति वर्ग विशेष से आते हैं। उसी जाति वर्ग विशेष से आते हैं जिनके अंदर इस चीज का घमंड होता है कि वो समाज में किसी ऊंची जाति से आते हैं और उसी ऊंची जाति से आने का दंभ है जिसके वजह से वो लोग खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रहे हैं। उनसे ये चीज बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि कैसे एक यादव जाति का शख्स, गरीब लड़का, अपनी मेहनत से, जिसका कोई गॉड फादर इस भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं था, वो अपनी मेहनत से ऊपर उठता है और भोजपुरी का किंग बन जाता है, ट्रेंडिंग स्टार बन जाता है। आज जितने भी गाने रिलीज होते हैं खेसारी लाल यादव के, सारे के सारे ट्रेंडिंग में रहते हैं। और इसी चीज को जितने भी तथा कथित ऊंची जाति के कलाकार हैं, ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए खेसारी लाल यादव को हर बात में सब लोग मिलकर एक साथ ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें दोषी ठहराने का काम कर रहे हैं। अगर इन सारे के सारे कलाकारों को इस बात की चिंता होती कि एक कलाकार को गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ये लोग पवन सिंह के खिलाफ भी आवाज उठाते और पवन सिंह के खिलाफ भी बोलने का काम करते। लेकिन इनमें से किसी ने भी पवन सिंह के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। एक रितेश पांडे नाम का कोई कलाकार है, उसने भी लाइव वीडियो बनाई और खेसारी लाल यादव को उल्टा सीधा बोला। कई सारे यूट्यूब चैनल्स भी मैंने देखे जो कि पवन सिंह की जाति से आते हैं या उसी तथा कथित ऊंची मानसिकता के लोग हैं, वो लोग खेसारी लाल यादव को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी लोगों से खेसारी लाल यादव की जो तरक्की है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। अभी हाल ही में खेसारी लाल यादव ने अक्षरा सिंह के साथ मिलकर और बादशाह के साथ मिलकर एक गाना बना रहे हैं और उसी गाने के वजह से कहीं ना कहीं पवन सिंह के अंदर जलन की भावना पैदा हो गई, जिसके बाद पवन सिंह स्टेज शो पर जाकर खेसारी लाल यादव को टारगेट करते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और यही जितने भी पवन सिंह के चमचे हैं, उन लोगों को यही चीज बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। वो लोग ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि कैसे खेसारी लाल यादव अपनी जिंदगी के अंदर तरक्की पर तरक्की किए जा रहे हैं, कैसे उनकी सारी की सारी वीडियोस ट्रेंडिंग में आती है, कैसे खेसारी लाल यादव को जनता का इतना समर्थन मिल जाता है, ये चीज इन सभी लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। हालांकि एक बात मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि पवन सिंह ने जो स्टेज शो के दौरान जिस तरह के अश्लील इशारे का इस्तेमाल किया था, उसके बाद लाइव आए और उन्होंने अपने उस कृत्य के लिए माफी मांगी है। हमसे हुई है जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूं। एक गलती हुई है, वो कुछ इशारा मैंने हाथों का कर दिया है, उसके लिए माफी चाहता हूं। ये गलती हमसे हो गया है, कोई चीज सॉरी। मैं समझता हूं पवन सिंह ने जिस प्रकार से लाइव आकर माफी मांगने का काम किया है अपने कृत्य के लिए, वो बहुत ही सही काम किया है। किसी भी स्टार को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और यदि उनसे किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो लाइव आकर अपनी गलती को स्वीकार करना और उसके लिए माफी मांगने में कोई भी बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन भोजपुरी के तमाम जितने भी कलाकार हैं, मैं उन सब के लिए एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप भोजपुरी इंडस्ट्री का स्तर सुधारना चाहते हैं तो जातिवादी मानसिकता से बाहर निकलिए। जातिवादी मानसिकता जो आप लोग ग्रस्त है ना, इससे आप लोगों को बाहर निकलने की जरूरत है। भोजपुरी को आप सारे के सारे कलाकारों ने, मैं इसमें खेसारी लाल यादव का नाम भी शामिल करता हूं, इन सारे के सारे कलाकारों ने मिलकर भोजपुरी का स्तर एकदम निम्न कर दिया है। एक गाना इन लोगों का ऐसा नहीं होता जो अच्छा है लोग बनाते हो, सारे के सारे गाने अश्लील होते हैं, सारे के सारे फुहरता से भरे हुए ये लोग गाने बनाते हैं। और उससे भी ज्यादा दोषी मैं मानता हूं जो देखने वाले हैं, क्योंकि देखने वाले जो जनता है उन लोगों को ये सारे गाने पसंद आते हैं और इसी वजह से इन सबके जो गाने हैं ये ट्रेंडिंग में आते हैं और इसीलिए इन लोगों का हौसला बढ़ता है और ये लोग इस प्रकार के गाने एक के बाद एक बनाने का काम करते हैं। तो जनता यदि चाहती है कि भोजपुरी से अश्लीलता को समाप्त किया जाए, तो जनता को सबसे पहले जितने भी अश्लील गाने हैं उनका बायकॉट करना चाहिए, उनकी वीडियोज को देखना ही नहीं चाहिए। यदि उनकी वीडियोज पे उस तरह के व्यूज, मिलियंस पे व्यूज नहीं आएंगे, तो जितने भी कलाकार हैं ये लोग अश्लील गाने बनाने बंद कर देंगे। तो कलाकार के साथ साथ ये जनता की भी गलती है, जनता को भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। इस मुद्दे के ऊपर ज्यादा बात मैं और नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि खेसारी लाल यादव के साथ अगर किसी प्रकार से जाति का होने की वजह से उनको टारगेट किया जाएगा, तो इस देश का 26 करोड़ यादव खेसारी लाल यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा।
अंत में जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मैंने देखा कि जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा, मेरी वीडियोस को देखा, उनमें से मैक्सिमम 70% ऐसे लोग थे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुलाकात करूंगा किसी और वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।